Let's go. Assalamualaikum to all of you. My name is Palak Javed and I am from class 5. Today my topic is on structure of seed. पहले हम पढ़ेंगे structure of seed क्या होता है. पहले हम इसकी outer covering पढ़ेंगे. पहले होता है seed hole. Seed के ऊपर जो एक hole होता है जिसे हम pore कहते हैं. उस pore के through water और nutrients absorb होते हैं embryo के लिए. Water और nutrients जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है seed के लिए. उसके बाद है seed scar. ये hold करके रखता है fruit को seed के साथ. उसके बाद है seed pore. ये एक hard layer होती है जो protect करती है embryo को और seed को. ये थी हमारी outside वाली covering. फिर है inside. Inside जब हम seed को दो हिस्सों में divide करते हैं, उसे हम कहते हैं cotyledons. Cotyledons के जो ऊपर जो ये seed hole होता है, उसके through जो है ये एयर जो है अंदर चला जाता है एम्ब्रियो के पास. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये जो एयर जो मिक्सचर होता है गैसेस का, जब ऑक्सीजन और फूड मिलते हैं एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी है जो है यूज करता है एम्ब्रियो. और फिर जो एक किसी सीड का एक कॉटिलीडन होता है, जैसे राइस वीट एक्स्ट्रा, उसे हम कहते हैं मोनोकॉट. और किसी सीड के दो कॉटिलीडन होते हैं जैसे बीन वी एक्स्ट्रा, उन्हें हम कहते हैं डाइकॉट. फिर है बेबी शूट और बेबी रूट. जब सीड जर्मिनेट करता है पहले बेबी रूट छोड़ता है फिर बेबी शूट छोड़ता है. ये था हमारा आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड.